जैसे आप लोग अच्छे हैं, कितना लग रहा है आपको मुझे यहाँ देख के आ जाने के? आप अच्छे देख के ओ, तो स्वागत आज की शाम में आप सबका, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वॉलंटियर्स, एनजीओज और इस खूबसूरत बैंड जिसका नाम है उड़ान एंटरटेनमेंट कंपनी। इसकी खासियत यह है कि ये सब प्लेयर्स जो हैं विजुअली इम्पेयर हैं, आंख से देख सकते हैं। एक जोरदार ताली के आज की शाम एक बहुत महत्वपूर्ण काम है मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। और सतीश जी अगर अपना मोबाइल देख के मुझे ऊपर करेंगे, मुझे देखेंगे ना, तो मुझे अच्छा लगेगा जी। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि why is today's evening an important evening for us? क्यों आज की शाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? आज 4 साल पहले 10 फरवरी 2012 को मेरे पिताजी की का देहांत हुआ। मेरे पिताजी का मेरी जिंदगी में, हमारे परिवार की जिंदगी में बहुत जबरदस्त योगदान रहा। उनकी सादगी से, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से और उन सीखों से जो अनजाने में उन्होंने बिना सिखाए हमें सिखाई। मेरे फेलियर्स में या मेरी असफलताओं में और मेरी सफलताओं में वो दोनों ही तरफ से पूरे खुश होते थे। मैं पास होता था तो खुश होते थे, मैं पास नहीं होता था तो कहते थे चलो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाना। तो ऐसे बहुत कम पिताजी होते हैं जो इस तरह जो आपकी सफलताओं को और आपकी असफल को एक ही तरीके से नापते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ही कुछ इंटेलेक्चुअल के इंसान थे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, उनकी मासिक आमदनी 90 रुपए थी उस जमाने में। 90 रुपए में वो 14 लोगों का परिवार हमारा था, 14 लोगों के और मेरे भाई का और हमारे बाकी लोगों का जीवन आपसे कोई अलग नहीं था। आराम से कहा जा सकता था कि हम निम्न वर्गीय परिवार के लोग थे और हमें निम्न वर्गीय परिवार के लोगों की सच्चाई, उनकी मानसत, उनकी जद्दोजहद साफ नजर आती है। मेरे हर उपलब्धि को वो सामने की तीसरी रो में बैठकर देखा करते थे और मैं कितनी बुरी एक्टिंग कर लूं उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था कि वाह, मेरे बेटे से बेटर एक्टर कोई है ही नहीं, बुरी से बुरी एक्टिंग को। तो उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि असफलताएं जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, अगर इन्हें सही तरीके से लिया जाए, सही तरीके से नापा जाए तो जिंदगी सफलताएं आपको ज्यादा सिखाती हैं सफलताओं के ज्यादा। उनका हमेशा एक जुमला होता था, वो हमेशा कहते थे कि बेटा जो बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है पढ़ाई में या खेल कूद में या किसी और भी प्रतियोगिता में, उसको हर बार यही टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि फर्स्ट आया हूं तो अगले साल भी फर्स्ट आना चाहिए, अगली प्रतियोगिता में भी फर्स्ट आना चाहिए, अगले भाग में बाकी चीजों में फर्स्ट आना चाहिए। पर जो आदमी 58th आता है वो 47th भी आ सकता है, 38th भी आ सकता है, 24th भी आ सकता है, 19th का है, तो उसके लिए जो है सीढ़ी बढ़ती चली जाती है। तो इन सब चीजों के दौरान उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत हर मेरी हर उपलब्धि को उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से एंजॉय किया, मजे लिए उसके। इसीलिए जब 10 फरवरी 2012 में उनकी मृत्यु हुई तो बजाय उनकी मौत पर शोक प्रकट करने के, हमने उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट किया था। हमने डिसाइड किया अपनी माँ से आज्ञा लेकर, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, कि क्या हम पिताजी की जो फोर्थ डे है, जो चौथा जिसे कहते हैं प्रेयर सेरेमनी जो है, क्या हम बजाय शोक मनाने के क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। माँ ने हमें आज्ञा दी और हमने उनके लिए एक रॉक बैंड इंतजाम किया। सारे दोस्तों को बोला कि कोई सफेद कपड़े नहीं पहन कर आएगा, क्योंकि आमतौर पर शोक सभा में लोग सफेद कपड़े पहन के आते हैं, ग्लासेस पहन के, सब रंगीन कपड़े पहनकर आएंगे। और बहुत उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की, एक पहलू तो ये था। और मेरे हर अवार्ड पर, मेरे हर उपलब्धि पर वो बहुत खुश होते थे। मुझे याद है जब मैंने 5th स्टैंडर्ड में एक प्ले किया था पृथ्वीराज चौहान,
तो वो प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, स्कूल की प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तो सबको कोई ना कोई अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर का किसी को बच्चे को मिला था, किसी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला था, और किसी को कॉन्सोलेशन मिला था, मुझे कुछ नहीं मिला था। तो पिताजी बाहर गए, उन्होंने हमारे पहाड़ पर कुछ पीले रंग के जंगली फूल होते थे, उनका गुलदस्ता छोटा सा बनाया और उन्होंने बोला कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा अवार्ड है। ताली। फिर बहुत सारे ऐसे किस्से हुए, जब मेरा ऑडिशन में मैं फेल हो गया तो बोलते थे कोई बात नहीं, फिर मैं जब मेरी पहली फिल्म जो मैंने की थी वो बनी नहीं, फिर मुझे निकाल दिया गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर इस साल भारत सरकार ने मुझे पद्म भूषण से सुशोभित किया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए ये बहुत बहुत ही गर्व की बात है। शिमला के शहर का एक छोटे से घर में पैदा हुआ क्लर्क का बेटा, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, स्कॉलरशिप से, 3 साल बॉम्बे में जद्दोजहद करके फाइनली 31 साल में 5,492 फिल्में करके अगर पद्म भूषण पा सकता है तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। बहुत दिनों से सोचता रहा कि इसको मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, और जिस शख्सियत को मैंने सबसे ज्यादा मिस किया मुझे अवार्ड मिला वो मेरे पिताजी। ऑफ कोर्स मेरी माँ तो खुश हुई, मैं खुश हुआ, मेरे परिवार के बाकी सदस्य खुश हुए, मगर पिताजी नहीं थे तो इस बात की मुझे बहुत गम था, तकलीफ थी। इनफैक्ट पिताजी हमारी एक उनके कमरे में एक ट्रंक होता था, छोटा सा टीन का ट्रंक, पुराने जमाने में ट्रंक होते थे। पिताजी उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाने देते थे, नहीं नहीं इसकी चाबी मेरे पास रहेगी, नहीं नहीं ये नहीं खोल सकते तुम लोग। तो उनके देहांत के बाद हमने, मैंने, मेरी माँ ने और मेरे छोटे भाई ने देखा कि इस ट्रंक में था क्या, इस ट्रंक में रहते क्या थे वो। तो जब हमने ट्रंक खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 5th-7th standard से लेकर मेरी आखिरी फिल्म तक के जितने भी फिल्म रिव्यूज थे अखबारों में, जितने मेरा नाम आया था उस सबकी कटिंग्स बनाकर उन्होंने रखी थी और मेरे नाम को अंडरलाइन किया था। तो आज की शाम तो उनका नाम ही बनती है, आज की शाम और किसी शख्सियत के नाम हो ही नहीं सकती है। 2008 में हमने अनुपम खेर फाउंडेशन की स्थापना की, पिछले 8 सालों में हमने बच्चों के लिए काम किया, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम किया, लेकिन मेरा इस चैरिटी की तरफ जो रुझान हुआ वो दिलखुश स्पेशल स्कूल की वजह से हुआ। आज मैं दिलखुश स्पेशल स्कूल को शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने पहला एनकाउंटर इस तरह के काम से रहा उन्होंने किया, और आज मुझे सिस्टर डोलोरेस जो एक महान शख्सियत थी उनकी बहुत याद आ रही है, वो भी नहीं रही, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे बचपन की तरह सपने देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सपना पूरा हो सकता है। आज जितने भी यहाँ लोग बच्चे बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद आप में से कोई ये स्पीच दे रहा होगा और मैं और से बजा रहा बैठा ताली बजा रहा होगा। वो होगी मेरी उपलब्धि, वो होगी हमारे देश की उपलब्धि। यह बहुत खूबसूरत देश है, इस देश में बहुत सारे लोगों को बहुत मौके मिलते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 27 बरस जेल में के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक 10 साल का लड़का रोज नदी पार पैदल जाया करता था, वही अगर आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी माँ को बड़ी टेंशन है, आज मैंने सुबह उनसे कहा कि मम्मी आज के प्रोग्राम की चीफ गेस्ट आप हो, तो दी क्या बात कर रहा है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं बनती चीफ गेस्ट। तो आज तो मम्मी आप ही हो चीफ गेस्ट, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ से, अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और पिताजी की इस तस्वीर पर जो दिया जला है लगा है उसको जलाएं।
ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। पीटर जॉन, माता जी नमस्कार। प्लेटफॉर्म से जाती है? कुली बोलता वो जा रही है जी। बट आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू हैव ब्रदर लाइक हिम। ही इज द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड एंड थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। देयर इज इस शाम का कोई फॉर्मुलेटेड तरीका नहीं। द आइडिया इज कि आप बच्चे इस शाम को एंजॉय करें, मजे करें, और आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ लोग हमारे मेहमान और भी आ रहे हैं जो आएंगे आपके साथ, कुछ गाने गाएंगे, कुछ एक जादू भी दिखाने वाली हैं एक बच्ची हमारी, एक डिफरेंट दिल स्कूल का बच्चा और उसकी दूसरी बच्ची डांस करने वाले हैं। तो आइडिया इज हैव फन बिकॉज यू आर चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रेटर गॉड। मैं क्यों बोलता हूं कि यू आर चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द होस्ट फॉर दिस इवनिंग फ्रॉम उड़ान, बुद्ध घोष।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि कोयल की कूक से सुबह लरसती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है। कोयल की कूक से सुबह लरसती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है, और यह महफिल तब सजती है जब जोरदार तालियां बजती है। सीरियसली, और इन्होंने हुनर को इतना आसान बना दिया कि हमें पता नहीं लग रहा है that they are differently abled people. And hats off to you, कितना कमाल का आप गाते हैं। मेरे आज बहुत सारे दोस्त यहाँ पर बतौर मेरे गेस्ट बनकर आए हैं, बतौर दोस्त बनकर आए हैं। उनमें कुछ मेरे सिंगर्स दोस्त हैं, भक्ति है, राज पंडित जी हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, अशोक पंडित। मुझे दिखाई दे रहा है ना?
सर हम लोग मैजिशियन है ना, एक्स्ट्रा केयरफुल लेते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे अनुपम जी के शो में बुलाया था तो उन्होंने सेपरेट कर लिया होगा। नहीं नहीं, ईमानदार आते हैं। अच्छा ये आपका टूटा हुआ फटा हुआ नोट ध्यान से देखिए सर, स्लो मोशन में अंदर जा रहा है, बिल्कुल वेरी क्लियरली, और ये रोता हुआ टुकड़ा मेरे हाथ में। हाँ सर अनफॉर्चुनेटली, अब इसको मैं क्या करूंगी, इट्स गोना बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग। आप ऐसा चेक कर लीजिए, डबल शॉट आपका फटा हुआ नोट ही अंदर है। जी जी बिल्कुल, ठीक है इसको मैं अंदर बंद कर देती हूँ। अरे बाप रे, ठीक है किसको आग लगा दी हो सर, ये नोट एक बार आप फिर से ऑडियंस को दिखा दीजिए कि आपके हाथ में उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है भाई, ये 10 रुपए का टुकड़ा आप मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, उसको अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर दीजिए। कर दिया। एंड एक बार अगेन मेकिंग श्योर आपका फटा हुआ नोट ही अंदर है सर। जी बिल्कुल अंदर। हाँ जी, एक्स्ट्रा केयरफुल यू सी मैजिशियंस। अरे बाप रे, मिट्टी का तेल, आपने बोला मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तक तो कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते। आप वो नोट ऐसे आगे रख दीजिए, आई नीड एन ऑल द बेस्ट राइट नाउ। नहीं बंद रखिए, बंद रखिए, प्लीज कीप इट क्लोज्ड। नहीं सर, हाथ तो आगे रखना पड़ेगा। हाँ, मैं अग्नि की कसम खा के कहता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। नोट मेरी मैं कसम नहीं खा सकती, मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। जी जी ओके सर, प्लीज मेरे को थोड़ा आप सपोर्ट करिएगा। जी जी, पता नहीं क्यों दिल धड़क रहा है मेरा। आपको इसके अंदर कुछ फील हो रहा है? कागज, कागज मतलब नोट का ही टुकड़ा होगा। टुकड़ा अब मेरे हाथ में तो नहीं आग लगाने वाली सर, कहा मैं ऐसा कर सकती हूँ, मतलब करना चाहती हो? नहीं नहीं सर, आप मेरा माइंड रीड मत करिए। आपको क्या लगता है सर, वो नोट वापस आ गई आपके पास पूरी की पूरी? नहीं ऐसा मत करिए सर, खोल के देखो, अभी नहीं। वही टुकड़ा है। हाँ? सर आपने तो बोला था आपको कुछ फील हो रहा है। तो वो टुकड़ा था ना, ये जो दांत में डाला। नहीं सर ऐसे नहीं चलता है, आपने तो बोला था आपको कुछ फील हो रहा है। अरे तो ये टुकड़ा फील हो रहा था ना, तब तो यहाँ से भी चली गई, वहाँ पे भी नहीं आई। तो फिर अभी क्या करें, जादू तो आप कर रही है, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। नहीं पर ये तो सच में गड़बड़ हो गई है, एक्टिंग कर रही है, मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ कमाल है तुम्हारा। नहीं एक्टिंग की बात है, आपको भरोसा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगी सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए 10 रुपए के चक्कर में आपको कुछ और दे दूं मैं, क्योंकि नोट तो सच में नहीं है मेरे पास। आई एम सीरियस, आई डोंट हैव द मनी। कुछ तो होगा, कुछ तो इसका। रियली ओके, समथिंग इन द ऑडियंस मैंने पहले दिया था। क्या इसको क्या करना है? नहीं वो 10 रुपए के चक्कर में आपको कुछ और दे देती है, गिफ्ट ऐसे टोकन ऑफ लव। अच्छा ये मतलब 10 रुपए चल गए। गिफ्ट टोकन ऑफ लव सर, ये चलेगा? हाँ चलेगा। जी आई कैन ओपन इट प्लीज, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू। कोकोनट, मैं गोवा से आई हूँ पर कोकोनट लेकर नहीं आई हूँ सर। जस्ट पुल द स्ट्रिंग। नहीं उसको मत फेंकिए सर। ओके ये 10 रुपए का संतरा चलेगा सर? चलेगा यस सर नो सर, आपको चलेगा? नहीं चलेगा 10 रुपए का संतरा नहीं चलेगा भाई। मतलब मुझे समझ आ रहा, जादू दिखा रही है, मुझे बेवकूफ बना रही है। ओके नहीं चलेगा ये, नहीं पक्का नहीं चलेगा। नहीं आपको जादू के लिए बुलाया, संतरे से काम नहीं चलने वाला। तो आपको आपकी नोट ही वापस करनी पड़ेगी। हाँ लाइए दीजिए, कुछ तो करने वाली है। नाइस एंड जूसी ऑरेंज है सर। ऑफ कोर्स, डोंट बी टेल मी दैट यू आर गोइंग टू, व्हाट आर यू थिंकिंग सर, आप क्या सोच रहे हैं? यू आर गोइंग टू टेक अ 10 रुपी नोट फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड दिस संतरा। और अगर वो हो गया सर तो क्या करेंगे आप? मैं आपको गले लगा लूंगा। अरे यार सर ऐसे लगा दो यार, गले नहीं निकला तो फिर से अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो 911 को ही फोन करना है।
उनके नंबर तो हमेशा यूनिक होते हैं। इधर आप पढ़ सकते हैं अगर, तो पढ़ के बता दीजिए लोगों को। मेरे हाथ में जो टुकड़ा है उस पर है 246631, इस पे लिखा 246631। वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग, हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो भैया, मिस्टर डिसूजा, अमन डिसूजा, 10 रुपए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई विल परफॉर्म वन लास्ट ट्रिक ओवर हियर, ओके, गुड बाय। वेल, किसी का है ना सर? अब मैं जाऊं? यस, सॉरी। डॉक्टर सावंत, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। हमारे बीच में शान आए हैं, थैंक यू शान। कहाँ गए, चले गए? अच्छा ठीक है, ओके। सो लास्ट, किसी का नुकसान करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ ऑल्सो अब
मेरे पिताजी का फोर्थ उनकी फोर्थ डेथ एनिवर्सरी है। मेरे पिताजी ने मेरी सफलताओं को और मेरी असफलताओं को उतने ही तरीके से सेलिब्रेट किया है जितने तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब यूजुअली माँ बाप जो हैं असफलताओं को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मगर मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से पहले प्ले से जब मुझे इनाम नहीं मिल पाया था तब मुझे पीले गुलदस्ता पीले गुलाब फूलों गुलदस्ता ला के दिया था, और वो सिर्फ क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उन्होंने मुझे सिखाया कि फेलियर इज द बेस्ट टीचर। तो जब उनका देहांत हुआ था 2012 में तो मैंने उनकी लाइफ को सेलिब्रेट किया था बजाय उनकी डेथ को मौन करने के। आज 4 साल बाद जब मुझे कुछ महीने एक महीना पहले पद्म भूषण मिला तो मैंने अपने पिताजी को बहुत मिस किया कि उनको हमेशा इस बात की बहुत खुशी होती थी मुझे कुछ मिले, और जब मिला तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बेस्ट तरीका है उसको और अपने पिताजी के आज के पुण्य दिन को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है कि बहुत सारे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, ऑर्फनेजेस के बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको एक ऐसी यादगार शाम दी जाए उनके शान में। और ऑर्केस्ट्रा भी जो है उसमें भी विजुअली इम्पेयर्ड मतलब ब्लाइंड म्यूजिशियंस थे, परफॉर्मर्स जो थे हमको। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी कमजोरी हम मानते हैं तो वो कमजोरी होती है, अगर हम नहीं मानते हैं तो वो कमजोरी नहीं होती है। सो दिस इज द वे एंड आई स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड अनुपम केयर। अनुपम केयर फाउंडेशन स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव विच इज अनुपम केयर, विच इज अ हेल्पलाइन गोइंग टू बी फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया, एंड इट्स इन द फॉर्मेटिव फ्रेज बट वी वुड लाइक टू हेल्प। एंड बहुत दिया फिल्मों ने, बहुत इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देश की जनता ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। अब वक्त आ गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने का और उस सम्मान को उस प्यार को वापस करने का। तो ये एक पहला प्रयास था उस दिशा की ओर। नहीं, अनुपम केयर फाउंडेशन 2008 में हो गई थी, वो उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। हम बहुत काम करते हैं कैंसर चिल्ड्रन के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, मगर आज उसका एक भाग हमने शुरुआत किया विच इज़ कॉल्ड अनुपम केयर्स, जो एक हेल्पलाइन होने वाली है ऐसे सब बच्चों के लिए जिन्हें किसी भी किस्म की मदद होगी। फंड्स नहीं है बट आई थिंक फंड्स आएंगे धीरे धीरे, और उसके बाद अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा है, लोग बढ़ते चले जाएंगे, बहुत लोगों का दिल होता मदद करने का, लोग सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि ऑकवर्ड महसूस करते हैं या लोग फिर उनको बोलते हैं अरे अब ये इसमें भी पब्लिसिटी ढूंढ रहा है। तो ऐसा उनके इस तकलीफ को या उनकी इस झिझक को हटाने के लिए अनुपम केयर्स विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर विल लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन। आज जो परफॉर्मेंस हुआ, आज जो ये 1,500 बच्चों ने यहाँ पर इंजॉय किया, सब मंच पर आए, ये इस बात का सबूत है कि बच्चे जो हैं इनका मन बहुत साफ होता है। दैट्स वाई आई कॉल दिस इवेंट चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड। यूजुअली वी से दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड बट दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड, एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया फॉर स्टेइंग बैक। ऐसे 5 घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं, और शायद आपके द्वारा अगर ये देश तक पैगाम पहुँचता है कि इन सब बच्चों की मदद हमको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं छोटा था मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था, एक निम्न वर्गीय परिवार का एक क्लर्क का बेटा, और अपनी मेहनत से अपने लोगों की प्रेरणा समझकर आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं अपना पुरस्कार जो राष्ट्र पुरस्कार मुझे मिला है उन बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, और जिन शख्सियत ने मेरे पिताजी ने जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचने की हिम्मत दी है उनका भी शुक्रिया अदा कर सकूँ इस तरह के आयोजन से। सर बहुत दिन आया आपके लिए जी, सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर आज आपके लिए जी, हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये दे आर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि देखिए दोनों से, जो मंच पर कलाकार थे, जो मंच पर म्यूजिशियंस थे, जो मंच पर जिन्होंने अलग अलग किस्म का अपना आइटम किया, अपना प्रयास दिखाया, चाहे वो पोल पे चढ़ के उन्होंने किया है, देखो बच्चा कितना अच्छा किया इन सब लोगों ने, चाहे वो जो इंसान जो लड़का था जिसने जो
लेग्स के साथ थोड़ा सा विकलांग जो है, अब उसको दिव्यांग बोलते हैं, मैं अभी बहुत अच्छा लगा मुझे दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करके, आई थिंक उसे बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रेरणा मिली है, एक्सपीरियंस वॉज फैंटेस्टिक। आई थिंक आप वही एक्सपीरियंस था जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे दिखा रही है, एक्सपीरियंस सेम ही होता है, अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस सेम होता है, और ये एक्सपीरियंस दिल से एक्सपीरियंस किया जाता है, दिमाग से नहीं, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ हम्बल फीलिंग। माई मदर फेल्ट वेरी गुड, माई मदर वॉज वेरी हैप्पी दैट आई कॉल्ड हर एज द चीफ गेस्ट, उनके लिए भी अच्छा है, और बहुत सारे कलाकार जो गाने आए थे जो सिर्फ यहाँ पर मेरे दोस्त बनकर आए थे, कैलाश खेर साहब, प्रीति शेठ, शान आए थे थोड़ी देर के लिए, और अमन त्रिखा आए थे, जानकी आई थी, मतलब क्या इन्होंने माहौल बांधा और कितना अच्छा इन्होंने किया, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हनुमान थप्पा साहब की पहले तो मैं उनके शौर्य की बहुत उनको सलाम करना चाहता हूँ, उनको सल्यूट करना चाहता हूँ। 6 दिन और 25 फीट बर्फ के नीचे उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया, आप भगवान से यही प्रार्थना है, और आज इन सब बच्चे जो यहाँ पर आए हैं इनकी तरफ से भी मैं प्रार्थना करूँगा, बच्चों की, मासूम बच्चों की प्रार्थना बहुत काम आती है, और मुझे एक फीलिंग है कि आज की शाम जो हमने आयोजन किया है, इन बच्चों का आशीर्वाद, इन बच्चों की प्रार्थना हम ज़रूर होगी, और हमारे हनुमान थप्पा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसी मुझे आशा है, और मैं उनके लिए प्रे करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल सर, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? बस बेटा, आज का आयोजन का बजट जो है भगवान ने दिया।